हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एविएशन ड्रीमर एंड मैं हूं आपके दोस्त परेश। सो फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी इंटरव्यू में जाते हो तो आप लोगों के मन पे एक ही क्यूरियोसिटी रहता है कि जॉब मिलने के बाद मेरा सैलरी कितना मिलेगा। सो सेम चीज़ अगर हम लोग केबिन क्रू के इंटरव्यू में भी जाते हैं तो उस टाइम पर भी हम लोगों के मन पे एक क्यूरियोसिटी रहता है कि केबिन क्रू बनने के बाद हम लोगों की सैलरी कितना मिलेगा। सो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक देखिए एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप अगर डोमेस्टिक एयरलाइंस में केबिन क्रू बनते हो तो कितना सैलरी मिलेगा और अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में केबिन क्रू के लिए जाते हो तो कितना सैलरी मिलेगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज ऑन केबिन क्रू जॉब्स, एविएशन जॉब्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहले डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर कोई भी इंडिया की कोई भी एयरलाइंस में अगर आप एज ए केबिन क्रू जॉब आपको मिलता है, यहाँ पे आपको कितना सैलरी मिल सकता है। फ्रेंड्स, केबिन क्रू की सैलरी की कुछ स्ट्रक्चर अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक पेमेंट होते हैं एंड और एक आपके फ्लाइंग पे होता है। सो अगर आप कोई भी डोमेस्टिक या कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में आप जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सैलरी के स्ट्रक्चर बेसिक पे होते हैं। बेसिक पे बेसिकली एक अमाउंट होते हैं, जो अमाउंट आप अगर फ्लाई करते हो तब भी मिलेगा, फ्लाई नहीं करते हो तब भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इंडिया की कोई भी एयरलाइंस की फ्रेशर केबिन क्रू की जो बेसिक सैलरी है वो होता है नॉर्मली 20,000 to 30,000 के अंदर। अलग अलग एयरलाइंस में आपको अलग अलग अमाउंट मिलेगा। सो बेसिकली ये डिपेंड करते हैं एयरलाइंस के ऊपर। एंड नेक्स्ट आपको जो मिलता है वो आपको फ्लाइंग आवर्स मिलते हैं। सो फ्लाइंग आवर्स बेसिकली क्या होते हैं? फ्लाइंग आवर्स बेसिकली जिस टाइम पे आप आपके ड्यूटी में हो एंड आप फ्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आपका फ्लाइंग टोटल फ्लाइंग आवर्स कितना हो रहे हैं। तो फ्लाइंग आवर्स काउंटिंग होते हैं बेसिकली जिस टाइम एक फ्लाइट एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद बे पे आता है एंड उसके जो व्हील्स होते हैं व्हील्स में चॉक्स ऑन हो जाता है, उस टाइम आपके फ्लाइंग आवर्स आउट होता है। एंड जिस टाइम वो चॉक्स ऑफ होते हैं उस टाइम फ्लाइट को रिलीज करते टेक ऑफ करने के लिए। सो फ्रेंड्स, चॉक्स ऑफ एंड चॉक्स इन के ऊपर बेस करके एक केबिन क्रू की फ्लाइंग आवर्स को काउंट किया जाता है एंड आप जितने आवर्स फ्लाई करोगे उसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा। बट फ्रेंड्स, आप लोग अगर केबिन क्रू बनना चाहते हो तो आप लोग को पता होना चाहिए आपकी मर्जी से आप फ्लाइंग आवर्स को बढ़ा नहीं सकते हो या घटा नहीं सकते हो। ये बेसिकली डिपेंड करते हैं एयरलाइंस के ऊपर, क्योंकि सिविल एविएशन की एक रूल्स के हिसाब से आप ईयरली 1200 आवर्स आप फ्लाई कर सकते हो टोटल। सो हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं कि मंथली आप कितना फ्लाइंग आवर्स अर्न कर सकते हो तो यहां पे 70 hours to 100 hours आप एक मंथ में फ्लाई कर सकते हो एंड इसी हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों की जो इंडिया की जो भी एयरलाइंस है वो सारे एयरलाइंस फ्लाइंग आवर्स की मतलब पार आवर्स के हिसाब से आपको कितना पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो इंडिया की कोई भी एयरलाइंस की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे आप 400 to 800 तक आपको पेमेंट मिल जाएगा पार आवर्स में। बट ये डिपेंड करते हैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, जितना आपके एक्सपीरियंस बढ़ेगा इसके साथ साथ आपके फ्लाइंग आवर्स की जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होते रहेगा। एंड नेक्स्ट हम लोग बताएंगे एज ए केबिन क्रू आप अगर कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस में जॉब करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बेसिकली बेसिक पे जो मिलता है 70,000 to 1 lakh के अंदर आप लोगों को बेसिक पे मिलता है। कोई कोई एयरलाइंस है जो इससे भी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं आपको। अगर हम लोग फ्लाइंग आवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 1000 rupees से लेके 1400 rupees तक आपको पर आवर मिल सकता है। सो ये डिपेंड करते हैं एयरलाइंस टू एयरलाइंस, जितना बड़े एयरलाइंस होगा उतने ज्यादा आपको फ्लाइंग आवर्स की पैसा मिलता है। एंड आप लोग याद रखना कि जितना आपके एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके साथ साथ आपके फ्लाइंग आवर्स की पैसा भी बढ़ेगा एंड बेसिक पेमेंट भी आपको इंक्रीज होगा। एंड उसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल हम लोग काम करते हैं तो इस टाइम पे हम लोगों को एक होटल अलाउंसेस मिलता है। जिस टाइम आप हम लोग दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं एंड वहाँ पे हम लोगों की लेओवर होता है कोई भी होटल में, तो उस टाइम पे कंपनी एक लमसम अमाउंट केबिन क्रू को प्रोवाइड करते हैं खर्चे के लिए। So, यही होते हैं बेसिकली होटल अलाउंसेस। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए आपके कौन से बेस मिला है, ये बेस के हिसाब से आपको सैलरी डिपेंड करता है। बिकॉज आपके बेस अगर कोई छोटी सिटी में मिल रहा है तो इस टाइम पे आपका जो सैलरी होगा एक
बड़े सिटीज़ वाले जो केविन क्रू की बेस है उसका सैलरी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े सिटीज़ में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बैक टू बैक फ्लाइट्स होते हैं, तो जितने फ्लाइट आप करोगे उतने आपके फ्लाइंग आवर्स भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन छोटी सिटीज़ में जहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं रहते वहाँ पे आपको बैक टू बैक फ्लाइट नहीं मिलेगा, तो इस टाइम पे आपके फ्लाइंग आवर्स की जो पैसा है, जो पेमेंट है, वो कम हो जाता है। तो इसलिए छोटी सिटीज़ की जो केविन क्रू है उन लोगों को थोड़ा सा कम सैलरी मिलेगा। एंड ऑल्सो हम लोगों को पता होना चाहिए आप जो एयरलाइंस में जॉब कर रहे हो वो लो कॉस्ट एयरलाइंस है या फुल सर्विस एयरलाइंस है। लो कॉस्ट एयरलाइंस में नॉर्मली केविन क्रू की सैलरी कम होते हैं, बट अगर हम लोग फुल फेस एयरलाइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे केविन क्रू की सैलरी अच्छा होता है। एंड आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों की जो भी क्वेरीज थे केविन क्रू की सैलरी के ऊपर, ये सारे क्वेरीज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों की मन पे अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए, और मेरा फेसबुक पेज में भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वे एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियोज टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू बिकम ए केविन क्रू। सो थैंक यू वेरी मच।